हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल नेहास किचन में। और मैं आज आपको कोई रेसिपी नहीं बताने वाली हूँ, मैं आज आपको घुमाने वाली हूँ स्पेन का एक बहुत ही सुंदर सा आइलैंड वेलोर का, और जिसमें है ये पाल्मा नोवा बीच और पाल्मा सिटी। तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके ट्रिप में कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो जो मेलोर्का है ये एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है और इसकी जो 3 बीचेस हैं वो बहुत ही फेमस है। तो मेरे पहले वीडियो में आपने बार्सिलोना सिटी देखा है और उसके बाद हम आ गए हैं पाल्मा नोवा में। तो यहाँ से हमने अर्ली मॉर्निंग की बस ले ली है मरीन लैंड घूमने के लिए। तो यहाँ की बसें कुछ इस तरीके से होती हैं और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ बस में घूमना बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है और आप एक ही कार्ड से 5 लोगों के लिए पे कर सकते हैं। तो अगर आप कार्ड से पे कर रहे हैं तो आपको 3 यूरोज़ लगेंगे और अगर आप कैश पे कर रहे हैं तो आपको लगेंगे 4.5 यूरोज़। तो आपको टच इन एंड टच आउट दोनों करना है। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पर कार हायर करें, क्योंकि बस की फ्रिक्वेंसी यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो सुंदर बीचेस का नज़ारा लेते हुए अब हम चल पड़े हैं मरीन लैंड की तरफ। तो मरीन लैंड की टिकट्स कुछ इस तरीके से हैं। तो मरीन लैंड की टाइमिंग है 10 to 3 और यहाँ सारे शोज स्टार्ट हो जाते हैं 11 o'clock से। तो हम बर्ड शो के लिए थोड़ा सा लेट हो गए और हम वो नहीं देख पाए, पर कुछ कलरफुल पैरट्स हमको देखने के लिए ज़रूर मिले और जो मेरे बच्चे ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और आप कुछ बर्ड्स बाहर भी देख सकते हैं जैसे कि फ्लेमिंगो और कुछ कलरफुल पैरट्स। तो ये पूरा ओपन एरिया है और उसके बाद अब आ गए हैं सी लायन का शो देखने। तो अगर आप फैमिली के साथ हैं या फैमिली के साथ नहीं भी हैं तो भी आप ये शो मिस बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा शो है और इसका कंप्लीट वीडियो आप मेरे एक और वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने स्पेशली इसके शो के लिए ही बनाया है। और उसके बाद स्टार्ट होता है डॉल्फिन शो, जिसका हम सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। तो जो मेलोर्का है ये बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है और स्पेशली फॉर ब्रिटिश ट्रेवलर्स। तो अगर दौड़ भाग की जिंदगी में आप थोड़ा सा रिलैक्स चाहते हैं तो यहाँ आप फैमिली या फ्रेंड के साथ आ सकते हैं। तो मरीन लैंड का खुद का प्राइवेट बीच भी है जहाँ पर आप जाकर बीच का मजा ले सकते हैं और यहाँ पर इनका छोटा सा कैफे भी है जहाँ पर आप आइसक्रीम, जूस या फिर चिप्स भी ले सकते हैं। तो डॉल्फिन शो देखने के बाद हम आ गए हैं फिर से बहुत ही प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर बर्ड्स देखने के लिए। और यहाँ पर हमको देखने के लिए मिला है ब्लैक स्वान। और यहाँ इनका एक सेक्शन है सी बर्ड जहाँ पर आप बहुत ही खूबसूरत मछलियाँ देख सकते हैं। तो मरीन लैंड से बस लेकर हम चल पड़े हैं पाल्मा सिटी की तरफ।
सो कैथेड्रल सेंटा मारिया के ऑपोजिट में हमने ले लिया है एक हॉफेनहॉफ बस। तो हम पहले पूरा सिटी एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो आपको इसकी टिकट लगेगी 18 यूरोस, जो आप 48 आवर्स तक यूज कर सकते हैं, और अंडर 8 इयर्स के लिए ये फ्री है। तो ये है पाल्मा का बहुत ही फेमस कैथेड्रल सेंटा मारिया। अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं तो आप इसकी टिकट्स ऑनलाइन खरीद लीजिएगा। वैसे हम ये अंदर से जाकर नहीं देख पाए। और देखिए ये कैथेड्रल कितना ज्यादा खूबसूरत है। और बस से ही घूमते हुए हम आ चुके हैं ब्लेवर कैसल। तो आप यहाँ उतरकर कैसल देख सकते हैं, पर उतरने के पहले आप यहाँ बस की टाइमिंग्स चेक कर लीजिएगा कि आपको नेक्स्ट बस यहाँ से कब की मिलेगी। और ये देखिए टॉप से आपको पूरी की पूरी पाल्मा सिटी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो बस राइड खत्म होने के बाद अब हम यहाँ आ चुके हैं कैथेड्रल के पास। तो यहाँ थोड़ी सी बारिश होने लग गई, इसलिए हम वापस चल पड़े पाल्मा नोवा अपने होटल की तरफ। सो ये कैथेड्रल की लाइटिंग रात को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, तो आप वो मौका बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और पाल्मा नोवा बीच के पास हमें मिल गया एक इंडियन रेस्टोरेंट। बस अब हमें और क्या चाहिए था। तो डिनर के बाद आप यहाँ बीचेस घूम सकते हैं, यहाँ की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया, जहाँ हम ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े हैं बीचेस की तरफ। तो लकली आज वेदर बहुत ही अच्छा था, सनी भी था और हवा कम थी, तो हमने सोचा कि आज थोड़ा बीचेस में एंजॉय किया जाए। तो पाल्मा नोवा अपने बीचेस की वजह से ही फेमस है, क्योंकि यहाँ की बीचेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ब्लू स्काई एंड ब्लू वाटर। तो यहाँ की 3 बीचेस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। जैसे एक है पाल्मा नोवा, जिसके ऑपोजिट में हमारा होटल था। तो होटल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पाल्मा नोवा बीच से हम वॉक करके चल पड़े हैं इसके ईस्ट की तरफ, जहाँ पर एक और भी बहुत ही खूबसूरत सा बीच है। तो अगर आपने कोई बोट एक्टिविटी यहाँ पर बुक कराई है, तो आपको यहाँ से उसकी बोट्स मिलेंगी। तो अगर आप पीक सीजन समर में यहाँ जा रहे हैं, तो आप सारी चीजों की टिकट्स एडवांस में ही बुक कर लीजिएगा। तो अब हम आ चुके हैं एक और बीच में। तो हम यहाँ आए थे मार्च एंड में, तो यहाँ जो मेन सीजन स्टार्ट होता है अप्रैल से लेकर सितंबर तक, तो मोस्टली लोग यहाँ अप्रैल में आते हैं ईस्टर ब्रेक के टाइम, क्योंकि तब का सीजन यहाँ का सबसे बेस्ट सीजन बोला जाता है। तब ना ज्यादा गर्मी होती है यहाँ पर, ना ही ज्यादा ठंडी। और इस बीच के ऑपोजिट में मेरे बच्चे को खेलने के लिए देख दिया है गोल्फ। तो अगर आपके साथ यंग किड्स हैं और अगर आपको गोल्फ खेलना पसंद है, तो आप इस जगह बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो मेरे बच्चे ने पूरे टूर में ये जगह बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया। तो अब ईस्ट से जा रहे हैं हम वेस्ट की तरफ।
और आपको यहाँ पर रोड पे चलते चलते बहुत सारी शॉपिंग के लिए भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो वॉक करते हुए हम आ चुके हैं वेस्ट साइड के बीच की तरफ। तो ये बीच भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ से भी आपको बोट्स मिलेंगी। तो यहाँ से हम चल पड़े हैं फिर से पाल्मा सिटी की तरफ, जहाँ पर हमें थोड़ा और भी सिटी एक्सप्लोर करना था। सो पाल्मा सिटी सेंटर से आपको एक विंटेज ट्रेन का भी ऑप्शन है जो आपको पाल्मा से लेकर सोलर तक घुमाएगी। तो ये जो ट्रेन है ये करीबन 8 आवर्स का पूरा टूर है और केव्स ऑफ डायराक भी एक स्टनिंग टूर है। तो ये भी एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा टूर है, तो आप इसकी टिकट्स ऑनलाइन ही खरीद लीजिएगा। तो हमारे पास उतना वक्त नहीं था, तो हम यहाँ पाल्मा सिटी के पास ही जो ओल्ड पाल्मा सिटी है ये एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो ये जो पाल्मा सिटी सेंटर है यहाँ पर कुछ कुछ परफॉर्मेंस भी होते रहते हैं, तो हमें भी एक परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो परफॉर्मेंस से ज़्यादा मुझे ये अंकल का डांस ज़्यादा मज़ा आ रहा था देखने में। तो यहाँ घूमते हुए हमें बहुत ही पुराने बेकरीज भी देखने को मिले जो कि 1910 में एस्टेब्लिश हुए थे। तो उनके कुछ ऑथेंटिक डेजर्ट्स भी हमें खाने को मिले। तो आप यहाँ मोस्टली हर टूरिस्ट के हाथ में ये बॉक्स जरूर देखेंगे। तो अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हैं तो यहाँ के ट्रेडिशनल फूड्स जरूर ट्राई करिएगा। यहाँ के आइसक्रीम्स भी बहुत ही ज्यादा डिलीशियस थे। और घूमते हुए हमें यहाँ का एक बहुत ही पुराना एस्टेब्लिश्ड चर्च देखने को मिला। तो खूबसूरत स्पेन और यहाँ के पाल्मा नोवा बीचेस की यादें लेकर हम चल पड़े हैं बार्सिलोना, जहाँ से हमारी लंदन के लिए फ्लाइट थी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। और मेरे आने वाली रेसिपी और एक ऐसे ही खूबसूरत व्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।